हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के अंतर्गत कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में आप लोग को पढ़ना है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। चाहे आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप BBMKE से हो, या बिना भाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग से हो, या SKMU, या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में पढ़ना है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। जिनमें से यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है लॉजिक, और लॉजिक का एक टॉपिक है ट्रूथ टेबल। ये एग्जाम के भी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग को यहाँ पे मैथ में ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, और यहीं से 20 नंबर का प्रश्न बनेगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं प्रश्न की ओर, आने के प्रश्न किस टाइम में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल। आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं ट्रूथ टेबल का डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। और क्लास नंबर 1 और 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन, जितने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं, सारा क्लास 1 और क्लास 2 से रिलेटेड है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, हर चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न, ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसे क्या, ये नगेशन का सिंबल है, और ये जो है और का सिंबल है, और के बारे में हमने बता चुके हैं, और एंड का एक सिंबल होता है इस टाइम में, देखिए। तो चलिए इसको हम किस टाइम में पढ़ा जाता है, तो इसमें क्या फाइंड करना है, नगेशन पी और नगेशन क्यू फाइंड करना है, ठीक है। नगेशन पी एंड नगेशन और, ठीक है, इसे और पढ़ा जाएगा। तो नगेशन पी और नगेशन क्यू फाइंड करना है, पी और क्यू फाइंड करना है। तीसरा प्रश्न, पी एंड क्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द ट्रूथ टेबल ऑफ नगेशन पी और क्यू, पी, ठीक है। यहाँ पे नगेशन पी का फाइंड करना है, नगेशन पी और पी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कंसीडर द ट्रूथ टेबल ऑफ नगेशन पी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, कंसीडर, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है, नगेशन पी एंड क्यू का, ठीक है। तो पी और क्यू क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है। बस आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग पूरा डिटेल्स के साथ देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं पी एक स्टेटमेंट है, और यहाँ पे और निकालना है, ठीक है, और निकालना है नगेशन पी एंड क्यू का, ठीक है। क्या यह टोटोलॉजी है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन सही क्लियर होगा कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। तो हमने टोटल आप लोग को 7 से 8 प्रश्न सॉल्व करवाएंगे, और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, और शायद इन सारे प्रश्न आपको बुक में भी नहीं दिया होगा, क्योंकि आपको, लेकिन आपके सिलेबस में ट्रूथ टेबल पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डायरेक्ट 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इन सारे प्रश्न को सॉल्व करने में पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में आप लोग 3 चीज़ें को नोटिस किए होंगे सिंबल का। हमने यहाँ पे इस सिंबल का प्रयोग किए थे, इस सिंबल का प्रयोग किए थे, और यहाँ पे 3 सिंबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो बी के शेप की तरह होगा इसे और कहा जाता है, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और जो बी के अपोजिट होगा इसे एंड कहा जाता है, यानी कि दो स्टेटमेंट को जब कंबाइंड किया जाता है तो इसे कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन भी हम बता चुके हैं, सिर्फ इसका आपको सिंबल का मीनिंग समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन इन सारे सिंबल का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको एंड कहा जाता है, ठीक है, इसे एंड का सिंबल है, ठीक है। और जो भी की शेप की तरह रहेगा इसे और का सिंबल मानेंगे, और ए इसे नगेशन कहा जाता है, ठीक है, इसे नगेशन कहा जाता है, और नगेशन का मतलब होता है नॉट। यानी मान लीजिए कोई एक सिंबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं राम इज ए ऑनेस्ट पर्सन, तो इसका नगेशन क्या होगा, नगेशन मतलब नॉट, अपोजिट, तो राम इज नॉट ए ऑनेस्ट पर्सन, तो यही एक इसका एग्जाम्पल है। इसका नेगेशन मतलब होता है अपोजिट, यानी कि नॉट, यानी कि अगर क्वेश्चन में ट्रू होगा तो फॉल्स बताए, अगर फॉल्स होगा तो इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आपको डिफिनेशन क्लियर करना होगा, एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और नेगेशन का मतलब क्या। तो एक एक करके यहाँ पे देखते, जब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पा जाते हैं, तब तक आप इन सारे प्रश्न सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए, अगर आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, या इसे नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एंड का सिंबल का मतलब क्या है, इसका मैथ में इसका यूज किस प्रकार करेंगे सॉल्व करते समय क्वेश्चन को। तो
एंड में है क्या होता है, अगर दो स्टेटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। तो इसका क्या होगा, तो एंड में क्या होता है कि एंड में अगर दो स्टेटमेंट है, अगर एक भी फॉल्स हुआ, ठीक है, इनमें से मान लीजिए पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स में चला जाएगा। एंड का बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, एंड जो है इसका जो आंसर रिजल्ट जो होता है फॉल्स बताता है, ठीक है। एक भी स्टेटमेंट अगर एक भी कथन इसका एक भी फॉल्स हुआ तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स में जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू और के बारे में, तो और का सिंबल भी की तरह होता है, ठीक है। और में अगर दो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर एक भी ट्रू हुआ तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। इसका हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम मान लीजिए पी और क्यू यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सबसे पहले ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, तो पी एक स्टेटमेंट है और क्यू एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपको सिर्फ इसका मतलब हम समझा रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट इसका मतलब, तो आपको यहाँ पे पी एंड क्यू का दो स्टेटमेंट है, इसका आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज का ट्रूथ वैल्यू कितना होगा, चार होगा। कैसे हम जाने, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टू पर पावर एन, तो एन क्या है, तो एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट का नंबर, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ नंबर कितना है, वन और टू, क्योंकि यहाँ पी और क्यू दो स्टेटमेंट, तो टू कर पावर टू यानी कि चार, यानी आपको चार स्टेटमेंट यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा फॉल्स और ट्रू का, तो इसका हम कॉलम बनाएंगे चार कॉलम, वन टू थ्री फोर हो चुका है, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट पी होगा जिसका एक आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा, ठीक है, एक बार ट्रू होगा तो एक बार फॉल्स होगा, एक बार फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, फाइंड करना है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू मतलब हमने क्या बताया अभी, एंड का मतलब होता है दो स्टेटमेंट, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो इसका ट्रूथ वैल्यू, अब इसका हम ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका हमने क्या बोला कि एक भी फॉल्स हुआ तो इसका जो आंसर फॉल्स में जाएगा। तो हम चलिए नीचे से करते हैं, यहाँ से यहाँ पे दो फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स में चला जाए, फॉल्स एक है और एक है ट्रू, तो हम क्या बोले कि एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स में जाएगा, यहाँ भी फॉल्स होगा, यहाँ एक ट्रू है और यहाँ एक फॉल्स है, तो किस में जाएगा, फॉल्स में ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये अदरवाइज में ट्रू में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एंड को, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेगेशन का एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट। नॉट मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे पी एक स्टेटमेंट है जिसका आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा ट्रू और फॉल्स, दो ही होगा, एक स्टेटमेंट का या तो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है, यही ना। अब इसका नेगेशन भी फाइंड करना है, तो टी का यानी कि ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा, यही हम लिखे, हमने नेगेशन पी को बताएं, और फॉल्स का अपोजिट क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो एक दो क्वेश्चन आप अच्छे समझ जाते हैं तो सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, हम क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर पहले टू सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर थ्री, ताकि आप क्वेश्चन नंबर ये को सॉल्व करें बहुत इजी हो सके, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो आपका प्रश्न ऑप्टेन द ट्रूथ टेबल, आपको ट्रूथ टेबल ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, हमने क्वेश्चन नंबर वन में आप लोग को दिखाए थे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टेन द ट्रूथ टेबल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए बी और सी, ठीक है, यानी कि वन टू थ्री यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करने में इजी हो सके। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर टू की ओर सॉल्व करते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्टेन द ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनाया जाता है, पहला क्वेश्चन को समझिए हम क्या बता रहे हैं आप लोगों, तो फाइंड करना पी और क्यू, यहाँ पी और क्यू क्या है, तो पी और जो है ना एक स्टेटमेंट और क्यू भी एक स्टेटमेंट, इसमें फाइंड करना पी और क्यू, तो और के बारे में हम क्या बताएं, सबसे पहले आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले इसका हम चार कॉलम लेंगे। अब चार कॉलम हम क्यों ले रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है टू पर पावर एन, यानी कि आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज ट्रू और फॉल्स का कितना होगा, तो चार होगा। कैसे चार होगा, इस चीज़ को समझिए, तो टू पर पावर एन, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे कितना स्टेटमेंट है, दो पी और क्यू, अगर आर भी होता तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो जाता थ्री, लेकिन यहाँ पे दो है तो टू पर पावर टू इज इक्वल टू चार, तो यहाँ पे आप लोग का चार कॉलम बनेगा,
ठीक है, और ट्रू और फॉल्स में सबसे पहले आपको सजाना है। तो एक बार क्या होगा, एक पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होगा, और एक बार क्या होगा फॉल्स होगा तो दोनों फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक बार ट्रू होगा तो एक बार फॉल्स होगा, एक बार फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। ये आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा, एक बार ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब फाइंड करना है पी और क्यू, तो पी और का सिंबल देंगे और क्यू, तो फाइंड करना है पी और क्यू। तो पी और क्यू फाइंड करने के क्या तरीके होते हैं इसके बारे में हमने बताया भी, चलिए इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और का मतलब क्या होता है, और में अगर दो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्या था, पी और क्यू, अभी हमने बता रहे हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट और एक भी ट्रू हुआ तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वह ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, फाइंड करना पी और क्यू। यहाँ पे दो स्टेटमेंट, हमने क्या बताया कि अगर दो स्टेटमेंट में एक भी फॉल्स हुआ, हम क्या बता रहे आंसर, एक भी ट्रू हुआ तो इसका जो रिजल्ट होगा ट्रू में होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉल्स है दूसरा ट्रू। हमने क्या बताया, अगर किसी एक में भी स्टेटमेंट में ट्रू हुआ तो वह ट्रू में चला जाए, तो यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, तो हमने क्या बताया कि किसी भी एक भी स्टेटमेंट में अगर ट्रू हुआ तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू में ही जाएगा, क्योंकि एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, ट्रू में। अब यहाँ बचा फॉल्स, तो ये फॉल्स ही रह जाएगा। तो इस प्रकार आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, पी और क्यू किस प्रकार फाइंड किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप लोग हर चीज़ को समझे होंगे। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करें, और का मतलब क्या होता है, पी और क्यू दो स्टेटमेंट, ये और का सिंबल है। ठीक है, और में क्या बताएं, अगर एक भी स्टेटमेंट में अगर ट्रू होगा तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि और में एक भी ट्रू हुआ तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ही होगा, क्योंकि हमने बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि और में एक भी स्टेटमेंट का आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज ट्रू हुआ तो इसका रिजल्ट ट्रू में होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स में था, ये फॉल्स ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ एक से एक भी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट में ट्रू हुआ तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो ये ट्रू में ही चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। अब नॉट का यूज को समझिए, नॉट यानी कि भी की अपोजिट की तरह, ये इसका सिंबल है। और नॉट में क्या हमने डिफिनेशन बताया यहाँ पे कि नॉट में इसका यहाँ मान लीजिए यहीं पर आप लोग को निकालना है नॉट, यानी कि पी नॉट सॉरी यहाँ पे होगा आपका एंड। ठीक है, नॉट नहीं होगा, एंड होगा। एंड का सिंबल जो होता है बी के अपोजिट की तरह होता है। ठीक है, और एंड में क्या बताएं कि अगर एक भी फॉल्स हुआ स्टेटमेंट तो इसका जो रिजल्ट होगा फॉल्स में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स था, अगर इसको फाइंड करें एंड में तो इसका जो रिजल्ट होगा फॉल्स होगा, क्योंकि हमने क्या बता रहे एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स में जाएगा एंड में, और में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में जाएगा, अदरवाइज फॉल्स में जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका पी एंड, और एंड का सिंबल ध्यान से देखिए बी की अपोजिट है। ठीक है, पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट, इसी को आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी प्रकार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। तो इसके लिए कितने स्टेटमेंट, कितने कॉलम बनेंगे, चार। हमने कैसे जाने चार बनेंगे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई इंग्लिश वर्ड का हम कोई प्रयोग नहीं कर रहे, ये मैथ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आपका जब यूनिट टू को सॉल्व करेंगे वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना है पी एंड क्यू का। आपको यहाँ पे इंच का प्रयोग करना है, स्केल का प्रयोग करते हुए बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोग सिर्फ बताने के लिए हमने यहाँ पे इस टाइम में बना रहे हैं। ठीक है, तो पी और क्यू स्टेटमेंट है और फाइंड करना है आपको पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको चार कॉलम बनाना है, 1, 2, 3 और 1, 4, चार कॉलम बनाना है। इस प्रकार आप लोगों को चार कॉलम बना लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो एक बार क्या होगा, हमने क्या बताया आउट ऑफ पॉसिबिलिटी चार होगा, एक बार दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा। ठीक है, अगला एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, एक बार फॉल्स होगा तो एक बार ट्रू होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फाइंड करना है पी एंड क्यू।
एंड का मतलब क्या है, किसी दो स्टेटमेंट में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वह जो है फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है एंड में कि अगर एक भी फॉल्स हुआ तो इसका रिजल्ट किस में चला जाएगा, फॉल्स में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, तो एक फॉल्स है तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स और एक ट्रू है तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, क्योंकि एक भी फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स में ही जाएगा, और यहाँ पे दोनों, यहाँ एक भी फॉल्स नहीं आने की, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही रह जाएगा यहाँ तक कोई। तो इस प्रकार आप लोगों को टेबल बनाना है एग्जाम में, ठीक है। आपको क्वेश्चन यही रहने वाला ऑफ टेन ट्रू टेबल, यानी कि आपको इसका ट्रू टेबल बनाना है पी एंड क्यू का। अब आगे हम इसका थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप लोग हर चीज़ को समझ गए होंगे बारीकी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं, नेगेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन नंबर है, हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए और क्वेश्चन नंबर वन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको फाइंड करना, नगेशन पी और नगेशन क्यू। सबसे पहले आपको पी और क्यू स्टेटमेंट निकालना होगा और इसका नगेशन पी निकालना होगा और नगेशन क्यू, इसके बाद ही हम और को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम नगेशन पी को सॉल्व करेंगे और नगेशन क्यू को। तो चलिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट बनाइए किस प्रकार, यानी कि टेबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चार कॉलम बनाना है, हम जैसा यहाँ पे प्रयोग करें आप लोग यहाँ पे स्केल का प्रयोग करेंगे, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे हम चार कॉलम बना रहे हैं, वन यहाँ पी स्टेटमेंट है और क्यू, और इसके लिए आपको कितने कॉलम बनाना है, चार, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, यानी कि आउट ऑफ पॉसिबिलिटी चार होंगे, वन टू थ्री और फोर, वन टू थ्री और फोर, यहाँ पे चार कॉलम हमने बना लिया। अब इसको ट्रू और फॉल्स में लिखना है, एक बार दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा, ठीक है, और एक बार फॉल्स होगा, एक बार ट्रू होगा, एक बार ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो और निकालने के लिए सबसे पहले आपको नगेशन पी और नगेशन क्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको नगेशन पी निकालना है, ठीक है, और नगेशन क्यू। तो चलिए आपको हम डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, और नगेशन पी निकालना और नगेशन क्यू, इस प्रकार आपको सिंबल देना है, इसके बाद ही आप निकाल सकते हैं नगेशन पी और नगेशन क्यू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो नगेशन पी मतलब क्या होता है, नगेशन यानी कि पी के अपोजिट, यानी कि यहाँ पे पी का, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स में जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू में जाएगा, ट्रू है तो यहाँ फॉल्स में चला जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू में चला जाएगा। इस प्रकार आप नगेशन पी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार नगेशन पी निकाला जाता है। नेक्स्ट नगेशन क्यू फाइंड करना है, क्यू का अपोजिट यानी कि क्यू का यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स में चला जाएगा, ट्रू है तो ये भी फॉल्स में चला जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू में चला जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू में चला जाएगा। तो इस प्रकार नगेशन पी और नगेशन क्यू निकाल सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन है नगेशन पी और नगेशन क्यू फाइंड करना, यानी कि आपको इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना है, यानी कि इस टेबल पर, ठीक है, इसी में आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको नगेशन पी को ध्यान देना है और नगेशन क्यू का और निकालना है। और का मतलब क्या होता है, एक भी स्टेटमेंट का जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, तो इसका जो और में वह क्या चला है, ट्रू में ही जाएगा, इसका रिजल्ट जो होगा ट्रू में मिलेगा, और का मतलब ट्रू में, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट अगर एक भी और में ध्यान में रखेंगे, और में ट्रू हुआ तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नगेशन पी और नगेशन क्यू पर हमको ध्यान देना है, इस पर और इस पर ध्यान देना है, इस पर नहीं ध्यान देना, क्यों आपको क्वेश्चन में पूछा गया नगेशन पी और नगेशन क्यू, ठीक है। तो नगेशन पी का जो यहाँ पे फॉल्स है और नगेशन क्यू का फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स ही जाएगा, ठीक है। अगला है ट्रू और फॉल्स, तो और में क्या हमने बताया, और में ट्रू और फॉल्स हो तो इसका स्टेटमेंट में इसका रिजल्ट होगा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, फॉल्स ट्रू, तो किस में जाएगा, ट्रू में ही जाएगा, ट्रू ट्रू तो यहाँ पे ट्रू में ही जाएगा। तो इस प्रकार आपका टेबल तैयार होता है। तो इस प्रकार आप लोग टेबल बनाना है आपके एग्जाम पेपर में। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन नंबर जो भी बचा आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 8 नंबर तक, आपको 2-3 क्लास में पूरा ट्रू टेबल का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप लोग को सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जा सके। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।